हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप जो मेरा नाम आजाद है यार भाई साहब, पाकिस्तान को गंदी तरह से हराने के बाद भारतीय और अफगानी फैंस ने स्टेडियम के बाहर किया डांस, देखकर पूरे पाकिस्तान में मातम। अच्छा, दोनों ने डांस किया, दोनों ने मिलकर डांस किया जीतने के बाद, और वो वीडियो फाइनली अब आ चुका है। वाज करते हैं, वाता भी पता चलेगा कैसा डांस किया भाई साहब। ये देखो ना, इन दोनों का जश्न, इंडियंस और भाई अफगानियों का, ये होता है एक सच्ची दोस्ती और एक भाई का जश्न। के देखो, अफगानिस्तान जीता तो इंडियंस ने भी आके उनको सपोर्ट दिखाई। वॉच करते कौन ऑन करते स्टार्ट। ये देखो भी में इंडियंस भी, ये देखो वजह, चेन्नई में अफगानिस्तान के फैंस अब जीत के जश्न मनाते हुए झंडा भी अफगानिस्तान के उठाए हुए हैं, साथ इंडियन भी है। ये देखो, ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है सच्ची। एक दूसरे पे जान देते नोए। अफगानी इंडियंस बहुत प्यार करते हैं। अफगानियों को पता है ये पीठ पीछे छुरा नहीं छोड़ते पाकिस्तान। ये बात तो है। आज देखो इस तरह रहा कि इनको दिल को सुकून। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद अफगान फैंस, ये देखो यार कितनी खुशी है ना, देखो उनका देश जीता है ना, और साथ इंडियंस ने भी भाई साहब उनको उनकी खुशी में शरीक हुए। वाकई में भाई हमें बहुत गंदा रहा है इन्होंने, देखो डांस। अफगानी फ्लैग पकड़े हुए हैं और देखो साथ वो पैंट शर्ट वाले इंडियंस है, लूडी बाहर है, लूडी भाई तो डांस कर रहा है ना। देखो पाकिस्तानी बगैरतों को ये जीत नहीं रहा भाई, देखो खुशियां मना रहा और वहां पर मीडिया भी है, इधर भूख मरी है सबको, ये हमें बोला था कि चलो उनको खुशी ये दे देंगे, मैंने उल्टा हमें ही लटका दिया। देखो पीछे इंडिया का, बिल्कुल पीछे इंडियन है, बहुत सारे इंडियन। देखो लोग पुलिस वाले भी खड़े होके खुश हो रहे, वो देखो वो खुश हो रहा है पुलिस वाला, कि भाई उनको पता है ना हमारे भाई जीते हैं। जी पूछिए भैया, आपको अब ऐसे ही बंदा मिल गया, आपको पूछिए जनाब। सबसे पहले मैं पाकिस्तानियों को शुक्रिया अदा करता हूँ, उसके बाद इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, अफगानिस्तान का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज अफगानिस्तान ने हिस्ट्री बनाई है, और आज हमें इतनी खुशी है कि मैं उसको बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये क्रिकेट है। हम इसलिए खुशी कर रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम किसी नफरत करते हैं, हम खुशी कर रहे हैं कि हम जीते। बड़ी जबरदस्त की है, खुशी का हक है, खुशी का दाग हर बंदे को है ना, अपने खुशी का इजहार हम नहीं कर सकते, हम बहुत खुश है, आइंदा भी हम जीतेंगे। पाकिस्तान आखिरी ओवर में आखिरी बॉल पे जीतता चला रहा था और अफगानिस्तान की जीत दूर होती जा रही थी, वो जो इतने अरसे का सब्र था आज टूट गया। यही जब तीन चार मैच पहले हम जीत रहे थे वर्ल्ड कप में भी, उसके अलावा भी तो लास्ट ओवर में हम हार गए थे, आज हमने वो भी खत्म कर दिया, वो जीजे वो अनएक्सपीरियंस थिंग्स, हम एक्सपीरियंस हो चुके हैं, हम बेहतर हो चुके हैं, हम अभी और भी जीतेंगे, ये हमारी पहली जीत। मेरे ख्याल में कि हमने अपना बदला ले लिया है, हमने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाल लिया है। पाकिस्तानी फैन कहते हैं नसीम शाह नहीं था, इसलिए नसीम शाह, अगर वो भी होता ना तो रिजल्ट यही आता, अगर वो भी होता तो रिजल्ट यही आता। बैटिंग के बारे में क्या कहोगे, जो अफगानिस्तान ने आज बैटिंग की और जो स्पेशली स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, स्पिनर ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन हमारा जो ओपनर था गुरबत और सदरान बहुत अच्छा बैटिंग किया है, उसने अच्छा शुरू किया, अच्छा स्टार्ट किया है, और हम उसका नतीजा यही था कि हमने मैच जीत लिया। हम पहले हम चेजिंग में बहुत हमारा एक्सपीरियंस नहीं था, हम इतना अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन आज हमने जो चेजिंग किया है ना वो फंटास्टिक थी, आप लोगों ने अच्छा स्टैंड दिया, उसके बाद अहमद शाह ने 50 मारी, उसके बाद जो भी आ रहे थे वो प्रॉपर सेंसिबल खेल रहे थे, अकॉर्डिंग टू द गेम खेल रहे थे, वो गेम को देख के बॉलिंग को देख के खेल रहे थे, और इसलिए हम जीते हैं आज।
क्या कहोगे अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में अगले मैचेस के अंदर किस तरह का परफॉर्म करेगी, या पाकिस्तान जीत गया तो पैसे पूरे हो गए पाकिस्तान? देखिए सबसे पहले तो हमारे लिए ये वर्ल्ड कप है, पाकिस्तान से जीतना अफगानिस्तान की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। हमने तीन चार पहले मैच जीते थे लेकिन हम आखिरी ओवर में हार चुके थे, ये हमारे लिए वर्ल्ड कप है। एनीवे इसके बाद हम चाहते हैं कि हम सेमीफाइनल में जाएं ताकि हमारी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल ऊपर हो, हमें उसका लेवल ऊपर जाए ताकि वो आइंदा आने वाले गेमों में कॉन्फिडेंस साथ खेले। हम खेल सकते हैं, हमारे पास टैलेंट है लेकिन एक्सपीरियंस की वो कमी थी। जब हमने इंग्लैंड को मारा वो एक्सपीरियंस, जब हमने इंग्लैंड को मारा हमारा एक्सपीरियंस बढ़ा और आज हमने अपने एक्सपीरियंस को दिखाया, इस तरह हम आगे भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे, कितनी खुशी है पाकिस्तान? बहुत ज्यादा खुशी है। देखा सारे खुश हुए हैं यार, उधर इंडियंस भी साथ में साथ मिलके डांस कर रहे हैं, इनका भाईचारा दोस्ती और प्यार कितना बड़ा है, दोनों मिलके डांस कर रहे भाई साहब। इंडियंस और अफगानिस्तानियों की भी वीडियो आ चुकी है कि भाई वो देखो मिलकर जश्न मना रहे हैं खुशी का, क्योंकि वाक्य में ये बात सच है कि अफगानिस्तान कभी जीता नहीं था हमसे और आज वो हिस्ट्री में पहली दफा वो जीता है, वो सारे खुश और इंडियन ने देखो उनकी खुशी में उनका साथ दिया, साथ उनका उनके साथ डांस के, उनके साथ पीछे देखो इंडियन शर्टों वाले बंदे भी खड़े हुए थे, नीली शर्टों वाले पुलिस वाले भी खड़े होके देख रहे थे, वो भी खुश होते क्योंकि उनको पता है पुलिस वालों के कि हम अफगानी हमारे भाई हैं, हम इनसे प्यार करते हैं, ये हमसे प्यार करते हैं, हमारा प्यार है, हमारे भाई हैं, ये डांस करते हैं, इनकी खुशियों में शरीक हूं। बिल्कुल अफगानियों को पता ना ये पीठ पीछे छोरा घूमने वाली कौम नहीं, ये तो पीछे छोरा नहीं घूमे पाकिस्तानी, तो पीछे छोरा बाहर का, तो भाई तभी तो प्यार इनका मोहब्बत देखना, देखो ना, नहीं तो ऐसी जगह पे कोई डांस करता पुलिस वाले हटा देते, कहते भाई इधर तुम लोग रोड पे ना करो कहीं और करो, ये रोड पे करते और पुलिस वाले भी उनको सपोर्ट दिखा रहे थे भाई करो डांस भाई तुम लोग जीते हो, खुली इजाजत है भाई, पाकिस्तान से इनकी बहुत बड़ी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत। आज भारतीय भी उनका साथ इस खुशी में दे रहे हैं कि भाई इन्होंने जो किया वाकई में यार एक्सपेक्टेड था, 300 तकरीबन मतलब 282 का टारगेट इन्होंने 286 बना दिया, समझो कि दो विकेटों पे इन्होंने 300 रन बनाया। बिल्कुल वजह ये 350 भी होता है, ये चेज कर लेते। सारे ग्राउंड में जितना क्राउड था अफगानिस्तानी टीम को सपोर्ट कर रहा था, इंडियन सारे ऐसे दोस्ती का पता चलता है, ये ग्राउंड के बाहर आपने नहीं देखा ना, सारे इंडियन सपोर्टर भी पीछे खड़े हुए थे, बिल्कुल वो वीडियो बना रहे थे, भारत का मीडिया भी आया हुआ था, भाई ये अफगानी डांस कर रहे थे, पीछे से इंडियंस भी क्लैपिंग कर रहे थे, खुश हो रहे थे इनके साथ, ये दोस्ती की मिसाल ना। अब जाहिर बात है जो इंडियन अफगानियों का उनको डांस तो नहीं आता, वो जो ये जो अपना ये कर रहे हैं पश्तो में करते हैं, तो भाई सब जहरी बात है, वो फिर पीछे से देख के तालियां बजा रहे थे, खुश हो रहे थे इनकी खुशी में और भाई इनको भी सपोर्ट दिखा रहे थे। अच्छी बात है वजह इनकी दोस्ती है, ये पाकिस्तान के साथ इनकी दोस्ती नहीं हो तो अच्छा है। भाई साहब ये देखो ना ये दोस्ती मेरी एक और बात गौर से सुन, इंडियन ने वीजा अफगानियों को दिया है उधर आने के लिए, पाकिस्तानी को नहीं दिया, इनके मुंह पे कालक मली है, क्यों कालक मली है वजह ये घूमते हैं ना, वही ना उनको पता है कि ये देखो उधर वीजे मिले वो गए लोग अफगानी देखो डांस कर आए हैं, तो पाकिस्तान एक बंदे को वीजा नहीं मिला, सारे को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनको पता है कोई ये ऑफिशियल मिशन कोई गया हो तो वो अलग चीज है और किसी को भी, क्योंकि उनको पता है ये दो नंबर, लेकिन भाई यकीन मानो जो अफगानिस्तानी खुशी आज भारत में मना रहे अपनी जीत का, मैं सर मेरा दिमाग ही नहीं जाता अफगानिस्तान की जीत की तरह, इंडियंस उनका साथ दे रहे हैं, यकीन मानो ये बहुत बड़ी बात है, अफगानिस्तानियों और इंडियंस की दोस्ती की दुनिया के लिए परफेक्ट एग्जांपल है, मिसाल कायम कर दी बिल्कुल, कि ये भाई साहब इंडियंस और अफगानियों की दोस्ती कभी नहीं टूट सकती, क्योंकि भाइयों की तरह एक दूसरे से ये लोग प्यार करते हैं, मतलब कि समझो कि सके भाई हैं, क्योंकि भाई जिस तरह आप वो अफगानी जीते और इंडियंस ने आकर उनको सपोर्ट दिया ये चीज प्रूव होती है। बिल्कुल यार आपके क्या थॉट इधर बिठाते हुए।